পাখি পাখি जो बेसिकली अगस्त्य के ही मुंह से अल्फाज निकलवाने की कोशिश हो रही है कि जो जो उन्होंने गलत किया है वो खुद ही बता दें 72 घंटे के अंदर, वरना जो राज है वो बाहर आ जाएंगे और पता लग जाएगा अगस्त्य की असलियत। सो अगस्त्य सरप्राइज है कि कौन है घर के अंदर जो ऐसा कुछ कर सकता है, बट आई एम श्योर कि ग्रेजुअली पता लग ही जाएगा कि कौन था और क्या होगा आगे। वेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली पाखी के दिमाग में शक तो भर चुके हैं लोग, और पाखी अब फिलहाल इस चक्कर में कि किसी तरह अगस्त्य का जो सच है वो बाहर आ जाए और उनको अगस्त्य खुद ही बताएं। तो अभी तक अगस्त्य का प्लान ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाखी को रिवील करें कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों किया उन्होंने ये सब, बट धीरे धीरे पता लगेगा सब। अगस्त्य फिलहाल ढूंढ रहे हैं पाखी को, क्योंकि पाखी को अपने बेड पे वो पाते नहीं है बगल में, जब वो सुबह रात को उठते हैं बीच में और नीचे आते हैं तो देखते हैं, जब ट्रैकर से देखते हैं तो देखते हैं कि यार पाखी घर में कहीं है, कहाँ है पता नहीं, एकदम से देखते हैं तो चॉकलेट खा रही होती है, तो वो कहीं से आई है, कहाँ से आई है उसके जानने के लिए वो आप देखिए फना 10:30 बजे। बस ये कहूँगा कि प्लीज़ देखिए फना, और आप लोग यार लाइक कर रहे हैं प्लीज़ इसको बरकरार रखिए, और या थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुम्हारे कमरे में कोई घुस कर ये सब कर गया तब तो घोड़े बेचकर सो रहे थे, और सुनो अगर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, अगर तुमने कुछ किया तो अभी मत। मोना शांत हो जाइए, ये वक्त आप दोनों के झगड़ने का नहीं है। आप को ना बस मैं ही दिखती हूँ हमेशा।